देश का हर नागरिक देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है। हमारे ऐसे जवान, चाहे वो हमारे अर्धसैनिक बलों के हों, चाहे हमारे सेना के जवान ही क्यों न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई क्यों जवान न हो, क्यों न हो, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए शहीद होता है अथवा देश की सुरक्षा के लिए शहीद होता है, मैं समझता हूं कि उनके परिवारों की जिम्मेदारी को संभालना यहां तक जिसके लिए जो संभव है उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए आगे आना चाहिए। मंत्री जी, एक सवाल है, पाकिस्तान की ज्वाइंट इंटरोगेशन टीम जो है वो क्या आ रही है भारत, और अगर आ रही है तो क्या पठानकोट एयरबेस में भी उनको एक्सेस मिलेगा? आप लोग कहां कहां जाने दिया जाएगा, क्या क्या करने दी जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी आपको समय पर दी जाएगी। लेकिन अभी तो कल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली है, सुषमा जी की उनकी भेंट हुई थी, मुझे भी मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली है कि 27 को आ रहे हैं। तो पठानकोट के जो हमला के बाद जो सबूत वगैरह सब सारी चीजों की तैयारी हो गई है कि पाकिस्तान के साथ शेयर? हम लोगों की जो तैयारी है वो सब पहले से ही पक्की है, तैयारी में कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।